तो अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल्ला खान एंड आई वेलकम यू टू माय व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है इसके अंदर हम एक छोटी सी कहानी आपको बताएंगे। मैंने कहा क्वारंटाइन हुए हमें काफ़ी सारे लोग, तो थोड़ी सी इंटरटेनमेंट के लिए हम थोड़ी सी कहानी बता देते हैं अपनी। हम भी घर पर बोर हो रहे हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग ही हो जाएगा। तो कहानी है ज़िपलाइन के बारे में। मेरा एक ज़िपलाइन एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी बुरा किस्म का, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। आपने शुरू में मीम भी देखी होगी, काफ़ी मज़े की थी। अगर मज़े की लगी है तो बताना मुझे। तो एनीवेज, तो ये कहानी है 2018 की, अगस्त का टाइम था। मैं हम कज़न्स के घर गए हुए थे एबटाबाद के अंदर, वो एबटाबाद में रहते हैं मेरे कज़न्स। तो एक इब्राहिम है, उसके घर हम गए हुए थे, इब्राहिम कज़न का नाम। तो बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, यार है फुल, मेरा भाई नहीं होते भाई भाई ऐसे हम। एनीवेज, तो उसके घर गए हुए थे मैं, खाला का बेटा मेरा। तो मेरी फैमिली, हमारी, मेरे घर वाले भी थे और खाला के घर वाले भी थे। तो हमने अपने सारी फैमिली ने ना प्लान किया था यार थोड़ा आगे चलते हैं। एबटाबाद में रहते थे ना वो, थोड़ा सा आगे करके ना कोई उनका सी सेटलमेंट टाइप कुछ जगह थी, वहाँ पर कुछ ज़िपलाइन भी बनी हुई थी। तो हम ज़िपलाइन, वैसे हमने कहा कि सुबह जाएंगे तो शाम को आ जाएंगे, थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाएगी, बोर हो रहे थे। तो हम गए वहाँ पर, देखा कि ज़िपलाइन भी है। तो इब्राहिम और मैं बच्चे थे, एक्साइटेड हो गए कि यार ज़िपलाइन है, मज़ा आएगा ये वो। तो हमने कहा यार ये तो काम सही है। उसके बाद शाम हुई तो वक्त हो गया ज़िपलाइन लेने का। तो हम पहुंच गए उस जगह जहाँ पर ज़िपलाइन लगी हुई थी। तो पहले लेनी थी ज़िपलाइन इब्राहिम ने, तो वो मेरे आगे खड़ा हुआ था। तो जो आके हेल्पर्स थे ना, वो इब्राहिम को कभी हेलमेट पहना रहे हैं और फुल गियर शेयर, वो बकल्स पहन रहे कभी, और रस्सी भी बांधी हुई उन्होंने। तो ये देख के मैंने कहा यार ये तो फुल सिक्योर्ड लग रहा है मुझे। तो थोड़ा तसल्ली मिली कि यार चलो हो जाएगा सही। उसके बाद इब्राहिम आके थोड़ा गया, एक हल्का स्टेप सा बना हुआ था उधर खड़ा हुआ था। अंकल ने कहा कि जब मैं आपको बेटा कहूँगा तब आपने आगे जाना है। तो अंकल ने कहा कि बेटा जाए, इब्राहिम ने हल्का स्टेप लिया और वो फुल गया। तो जैसे वो गया ना, तो हैंडल्स होते हैं ना ज़िपलाइन के, वो उसे छूट गए। लेकिन थैंकफुली क्या कहते हैं, वो रस्सी लगी हुई थी तो रस्सी के ऊपर उसने पकड़ लिया और आराम से ज़िपलाइन उसने थोड़ी बहुत कर ली। तो ज़िपलाइन का सीन ये होता है कि जो ऑब्वियसली ज़िपलाइन जब फुल स्पीड पर आती है तो उसे स्लो भी करना होता है ना। तो पीछे दो हेल्पर्स वैसे खड़े हुए थे, वो ना ज़िपलाइन को स्लो करते थे जब ज़्यादा करीब आ जाता था बंदा एंड वाले पोल के। तो उन्होंने स्लो कर दिया इब्राहिम के टाइम पर, बिल्कुल आराम से कर दिया। तो ये देख के मुझे तो तसल्ली हो गई कि यार अब तो फुल सेट सीन है। तो अब मेरी बारी आई, मुझे बकल्स पहनाए उन्होंने, हेलमेट मैंने पहना, फुल मैं तैयार श्यार हो गया ज़िपलाइन के लिए भाई। तो आगे हम स्टेप पर खड़े हुए, अंकल ने कहा बेटा आप जाएँ। हमने ये सोचा हुआ था कि भाई हमने ये जो है ना ज़िप लाइन, इसे छोड़ना नहीं है, फुल हम एक्शन सीन करेंगे। तो हमने टांगे भी अपनी थोड़ी सी ऊपर की और ज़िप लाइन को भी पकड़ के रखा कि यार फुल डैशिंग हो के। तो वो हम करते हुए जा रहे थे। उसके बाद जब ज़िप लाइन के ऊपर गया तो फुल मतलब कि मज़ा आने लग गया कि फुल तेज़ होने लग गई ज़िप लाइन, वेलोसिटी बढ़ने लग गई, स्पीड बढ़ने लग गई। तो मैंने कहा यार तो बड़ा एक्साइटिंग है, शुरू शुरू में तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि बड़ा मतलब क्या होता है ना एड्रेनल थ्रिल होता है स्पीड का। तो जब एंड में आने लगे ना, मैंने कहा यार ये तो स्लो ही नहीं हो रही, तो वो तेज़ पर तेज़ हुई जाए, मैं कहूँ यार एंड में कैसे रुकूंगा मैं। तो इतना खास टाइम नहीं था सोचने का, मैं देखा कि एंड आने लगा है। जैसे ही एंड आया है ना, वो जो ज़िपलाइन है वो आके जाके पोल में लगी है, मेरे हाथों से छुट्टी है, मैं फुल कलाबाजी खाई है मैंने, मेरा पाँव लगा है भाई पोल के ऊपर और मैं नीचे गिर रहा। शुक्र है मैट्रेस नीचे लगा हुआ था, वरना मुंह पर और चोट लग जाती, गर्दन मेरी फुल टेढ़ी हुई है नीचे गिरते हुए। वहाँ पर जो बंदे थे उन्होंने फौरन मुझे पकड़ा, खड़ा किया और बड़ा ज़ोर किस्म का बड़े झटका लग गया मेरी पूरी बॉडी को। तो उस वक्त तो खैर इतना फील नहीं हुआ क्योंकि एड्रेनल पूरी बॉडी में फ्लो कर रही थी। तो मैं खड़ा हो गया, पाँव से मुझे फील हो रहा था कि भाई चोट लग गई है। तो मैं चुपचाप खड़ा हुआ, मैंने कोई एक दो लफ्ज़ कुछ भी नहीं कहा, मैंने अपने आप पेट पकड़ा आराम से, पेट में भी दर्द हो रही थी। तो आगे गया मैं, पूरा वापस रास्ता आया, चढ़ा और बाबा के पास जैसे ही मैं पहुंचा ना, मैं नीचे थोड़ा गिरा थोड़ा सा और मुझे मतलब कि वॉमिटिंग वगैरह और तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी मेरी। तो फिर वहाँ पर एज सच कोई हॉस्पिटल तो था नहीं, तो हल्की सी मेडिकल फैसिलिटी सी बनी हुई थी उधर, थोड़ी सी पट्टी ली, पट्टी की हमने मेरे पाँव के ऊपर और अपनी तबीयत पानी छानी पिलाया, सुकून किया मैंने। उसके बाद हम घर वापस आ गए और उसके 3 दिन तक बेड से मुझसे उठा नहीं जाता था, वो पूरी बॉडी क्रैम्प्ड अप हुई हुई थी। ये अल्लाह का शुक्र है पूरी जिस्म बिल्कुल सही सलामत था, कोई स्क्रैच वैच नहीं पड़ा, बस थोड़ा सा क्रैम्प है, मसल्स थोड़े स्टिफ हो गए थे और कुछ नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है। ये हुआ इस वजह से था कि जो दो हेल्पर्स थे ना पीछे, उन्होंने स्लो डाउन नहीं की थी, पता नहीं वो थोड़ा इधर उधर बात करने लग गया, कहीं और देख लिया।
आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन उन्होंने थोड़ी इरिस्पॉन्सिबिलिटी शो की और मैं जाके मेरी अच्छा खासा बच्चा नुकसान से बच गया मैं, तो अल्लाह का शुक्र है। बाकी ये छोटी सी मेरी स्टोरी थी, पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। मुझे की ये बात है कि ये सारा कॉट ऑन कैमरा है, तो वो भी आप मैं शायद बीच में काट डाले होंगे कट्स वगैरह, तो ये सबसे मज़े की बात है। और बाकी बस इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, हाथ धो, घर में बैठो और मेरी वीडियोस देखो, या नहीं देखनी मेरी वीडियोस तो नेटफ्लिक्स चिल करो, जो करना है करो, पढ़ाई कर लो भाई। तो हाँ, टेक केयर।